बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत के अंदर नेवी की मीटिंग हुई है और उसके अंदर कमांडोज बैठे हैं। कमांडोज ने अर्जेंट मीटिंग की है बांग्लादेश के हवाले से भारत के अंदर, और भारत ये क्या इशारे दे रहा है बांग्लादेश को? क्या भारत बांग्लादेश के साथ जंग करने जा रहा है? क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? भारत के अंदर ऐसी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं जिसमें कमांडोज शामिल हो रहे हैं, और ये मीटिंग बांग्लादेश को लेकर हो रही है। बांग्लादेश ने सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, और उसके पासपोर्ट को रद्द करने का इशारा दिया। और उसके बाद भारतीय नेवी की एक अर्जेंट मीटिंग हुई है जिसमें कमांडोज भी शामिल हुए हैं, और ये इशारा किसके लिए है? ये इशारे बांग्लादेश के लिए हैं। और क्या आने वाले टाइम पे बांग्लादेश के खिलाफ भारत कोई बड़ा मंसूबा बना रहा है? तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरह बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। आवामी लीग सरकार पतने पर आबारो आलोचन भारत बांग्लादेश सम्पर्क दीर्घदिन परीक्षित बंधु राष्ट्रे साथ अंतर्वर्तीकालीन सरकार काज करबे किना ता निये देखा दिए संशय। बसे नहीं भारत निजेदे निरापत्ता और शेख हासिना इस्युते शक्त अवस्थाने देशटी। प्रतिरक्षा बाहिनी के प्रस्तुत थाकते निर्देश देयार पर एबार बांग्लादेश इस्युते चार दिन बैठके बसछे भारतीय नौबाहिनीर शीर्ष कमांडाररा। एमन परिस्थितिते कि करबे बांग्लादेश, जानाच्छेन सहकर्मी शाहदात रिफात। छात्र जनतार तुमुल आंदोलनेर मुखे बाध्य हुए देश छेड़े पालिए भारते अवस्थान नेन साबेक प्रधानमंत्री शेख हासिना। गत 5 अगस्ट थेके एखोनो ओई देशटीतेई अवस्थान करछेन तिनी। एर माझे तार कूटनैतिक पासपोर्ट बातिल ओ भारत हासिनाके फेरत पाठाच्छे एमन नाना गुंजन उठे। तबे सब आलोचना समालोचनाके मिथ्या प्रमाण करे बराबरेर मतो मोदी सरकार शेख हासिनाके निरापत्ता ओ आश्रय दिए जाच्छे। देर मासेरो बेशि समय धरे भारते अवस्थान करछेन बांग्लादेशेर साबेकई प्रधानमंत्री। एदिके डॉक्टर मुहम्मद यूनुसेर नेतृत्वे अंतर्वर्तीकालीन सरकार गठनेर पर थेके आबारो आलोचनाय उठे एसेछे भारत बांग्लादेशेर सम्पर्क। नाना कूटनैतिक चापेर पाशापाशि निरापत्ता निये शंकाय रयेछे मोदी सरकार। বিষয়গুলো মাথায় রেখে নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি নানা পরিকল্পনা করছে মোদি সরকার। দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়ার কয়েকদিনের মাথায় এবার বাংলাদেশ ইস্যুতে চার দিনের বৈঠকে বসছে ভারতীয় নৌবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডাররা। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে ভারতের এমন পদক্ষেপ কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে আর বাংলাদেশই বা কি পরিকল্পনা করছে? মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার মধ্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে আজ থেকে চার দিনের বৈঠকে বসছে ভারতীয় নৌবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডাররা। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং এই অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পাবে বলেও জানা যায়। পাশাপাশি চীনের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং পাকিস্তানকে দেয়া সামরিক সহায়তার বিষয়েও আলোচনা হবে বলে ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে ANI। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 17 সেপ্টেম্বর থেকে নয়াদিল্লির নতুন নৌসদর দপ্তরে চার দিনব্যাপী বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছরের এপ্রিলে অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠি নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি প্রথম সম্মেলন হতে চলছে। চলতি বছরের শুরুতে জলদস্যু এবং ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনী বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে বৈঠকে এডেন উপসাগরে নৌবাহিনীর চালানো কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে। মূলত ভারতীয় বাহিনী বছরে দুবার তাদের কমান্ডার সম্মেলন করে যেখানে সব সিনিয়র অফিসার তাদের তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন। এর আগে লখনউতে জয়েন্ট কমান্ডারদের সম্মেলনে বাংলাদেশের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আহ্বান জানান। তার কয়েকদিন পরেই এই বৈঠকের ঘোষণা আসলো। এখন দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ ইস্যুতে ঠিক কি করতে যাচ্ছে ভারত। যাবেই আবশ্যকতা হোগি
आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश और भारत के हालात बदलते जा रहे हैं। जब से डॉक्टर मोहम्मद यूनस की हुकूमत आई है, भारत के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा तल्ख हुए हैं। भारत के अंदर अब नेवी की मीटिंग हुई है जिसके अंदर कमांडोज शामिल हुए हैं और ये इशारे बांग्लादेश की तरफ हैं। बांग्लादेश को लेकर ये मीटिंग हो रही है और उसमें कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत के लिए और बांग्लादेश के हालात को लेकर एक बड़ी खबर है कि भारत किस तरह माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, भारत किस तरह जंग की तैयारियां कर रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं और भारत के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। अब डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने साफ कह दिया कि शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में वापस लाकर इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, इसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा, जैसे इसने बांग्लादेशियों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश के फ्यूचर को तबाह करने की कोशिश की, इसके ऊपर शेख हसीना वाजिद को सजा दी जाएगी। और दूसरी तरफ भारत जो है वो जंग की तैयारियां कर रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत इशारे दे रहा है, लेकिन पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी देखी थी, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर आकर बातें की कि हमने अपने फौजी जवानों को कहा है कि बांग्लादेश की जंग के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब इस तरह के खुल्लम खुल्ला ऐलान किए जाएंगे तो क्या ख्याल है बांग्लादेश वालों को? नहीं चाहिए कि वो अपनी फुल तैयारी करके रखें? हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर छोटी छोटी झड़पें बड़ी झड़पों के अंदर बढ़ जाएं आगे और जंग का, अल्लाह ना करे, जंग का कुछ समा पैदा हो जाए, क्योंकि उनको ज्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान इनकी बैकबोन पे है, चाइना इनकी बैकबोन पे है और अब तो अमेरिका भी इनके साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का कह रहा है। तो भारत जो है वो तो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इनको किसी तरीके से दबा के इनके ऊपर दोबारा से अपना तसल्लुत कायम कर सके। बिल्कुल वसीम भाई, राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा हैं भारत के, उन्होंने ऐलान किया था कि बांग्लादेश के खिलाफ जंग के लिए अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया था और बांग्लादेश के खिलाफ बातें की थी। और अब देखें तो एक मीटिंग बुलाई जा रही है नेवी की और इसमें कमांडोज शामिल हो रहे हैं, तो ये इशारे इसी बात की तरफ हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जंग का बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है भारत के अंदर और बांग्लादेश भी इस जंग के लिए तैयार है। बांग्लादेश की दोस्ती अगर पाकिस्तान के साथ हो रही है, बांग्लादेश की अगर डील पाकिस्तान के साथ हथियारों की हो रही है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव कर रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है कि अगर हम लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर जारियत करने की कोशिश की, जंग करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी भारत के ऊपर हमलावर हो जाएगा। बिल्कुल, ये जंग सिर्फ बांग्लादेश या इंडिया तक महदूद नहीं रहेगी, चाइना भी इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व होगा और ये भारत की बड़ी हमाकत होगी कि वो बांग्लादेश की तरफ इस तरह की जंग को धकेलने की कोशिश करे या जंग करने की कोशिश करे। ये भारत की शक्ल शुरू कर, ये भारत की आखिरी गलती साबित होगी और जो पेशगोइयां की जाती हैं गजवा हिंद की, और वो तो साबित होती हुई नजर आ जाएंगी कि भारत ने बांग्लादेश पे हमला किया चाइना और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, तो ये भारत की तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी कि वो बांग्लादेश के साथ जंग करे। तो ये भारत जो है ये मंसूबा बंदी कर रहा है, साजिशें कर रहा है, प्रोपोगंडा कर रहा है और अंदर से बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।